और इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। मुझे बताती हुई प्रसन्नता है कि 2016 से 2024 तक 2,95,00,000 मकान हमारे भाई और बहनों को स्वीकृत किए गए, उनमें से 2,66,00,000 मकान बन चुके हैं, पूरे हो चुके हैं और बाकी पर भी काम जारी है। लेकिन अनेकों गरीब भाई बहन ऐसे थे जो इस योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। 2018 में आवास प्लस योजना के अंतर्गत सर्वे करके ऐसे वंचित रह गए भाई बहनों की सूची बनी थी। आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले ही ये कहा था, ये लोकसभा चुनाव के पहले, कि हम हर गरीब को पक्के मकान देंगे और 3 करोड़ मकान अगले 5 सालों में बनाए जाएंगे, उनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में बनेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो कर रहे हैं और उन्होंने कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले ये फैसला किया कि ग्रामीण क्षेत्र में ये 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। और न केवल फैसला किया बल्कि उसको अमली जामा पहनाया और अलग अलग राज्यों के हितग्राहियों को मकान स्वीकृत करने के लिए राज्यों को, क्योंकि हम राज्यों के माध्यम से बनाते हैं, राशि भी जारी कर दी। एक सूची है अलग अलग राज्यों को जो राशि जारी की गई है, उसको मैं पूरी पढ़ नहीं रहा हूँ, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी किस राज्य में कितने मकान बनाए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इन मकानों के निर्माण पर 3,06,00,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करेंगे। और ये मकान केवल मकान नहीं होगा, मकान के निर्माण की राशि के साथ साथ मनरेगा की 90 से 95 दिन तक की मजदूरी दी जाएगी, शौचालय के निर्माण के लिए घर में टॉयलेट हो अलग राशि प्रदान की जाएगी, हर घर को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन अगर नहीं है अभी तक बहन के पास तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, पीने का पानी, घर में बिजली और उसके साथ साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उसके घर लगे और वो बिजली बना पाए उसका भी इंतजाम किया जाएगा। ये केवल मकान नहीं है, मकान के साथ जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए जो गरीब की जिंदगी बदलती है उनको भी इससे जोड़ा गया है। मित्रों, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था, हमने लगातार प्रयत्न किए क्योंकि 1,13,000 से ज़्यादा मकान झारखंड में बनने, अभी तक वहाँ की सरकार इतने ही औपचारिकता पूरी करके स्वीकृति पत्र और मकानों के निर्माण के लिए जो अकाउंट में पैसे डालते उसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, उसमें धीमी गति से काम हुआ इसलिए इतने हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन लक्ष्य 1,13,195 का है और उसके लिए 187,79,00,000 रुपये की राशि झारखंड को जारी की जा चुकी है। इसी अभियान के तहत 16 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात जाएंगे और गुजरात राज्य में पिछले वर्षों में 10 वर्षों में 6,50,000 से ज़्यादा आवासों का निर्माण हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 54,135 आवास का लक्ष्य गुजरात को दिया गया है और 99,01,00,000 रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य में 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35,000 पूर्ण हो चुके मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करके पूरे देश के अलग अलग, इन राज्यों को छोड़ के, 4 राज्यों को छोड़ के, झारखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चूंकि चुनाव है, इन 4 राज्यों को छोड़ के बाकी बचे हुए राज्यों में 10,00,000 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे और 3,180 करोड़ रुपए की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि जारी करके करेंगे। ये 10,00,000 हितग्राहियों के खाते में जाएगी।
अब इसके अलावा भी 2018 की आवास प्लस की सूची के अलावा ये जानकारी कई राज्यों से प्राप्त हुई और मांग भी आई कि कई पात्र हितग्राही शेष रह गए, तो फिर एक बार आवास प्लस 24 ऐप का भी अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य सर्वे करके फिर जो छूट गए हैं पात्र लाभार्थी उनको शामिल करके पक्के मकान का आवंटन करेंगे, तो वो जो छूट गए हैं उनका नाम भी फिर सर्वे करके सम्मिलित किया जाएगा। एक विशेषता और है इसमें कि पहले जो पात्र नहीं होते थे बहिष्करण की सूची के पात्र नहीं होंगे, उसका परिवर्तन किया गया। जैसे पहले जिनके पास दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल बाइक कुछ होता था तो वो मकान के लिए पात्र नहीं माना जाता था, अब मोटरसाइकिल हर गरीब परिवार में गांव में भी है, इसलिए अब मोटरसाइकिल या टू व्हीलर उसके पास कोई है तो अभी वो मकान के लिए पात्र होगा। उसके बाद पास मोटर से चलने वाली नाव भी है, कई मछुआरे भाई बहन होते थे तो वो भी अपात्र हो जाते थे, अब उनको भी पात्रता में शामिल किया जाएगा। और 10,000 रुपये से ज़्यादा मासिक जिनकी आमदनी होती थी, इनकम होती थी, वो भी पात्रता की सूची में नहीं आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभियान चला रहे हैं, सरकार अभियान चला रही है, लखपति दीदी का अभियान, और लखपति दीदी बनना है तो 10,000 रुपये ज़्यादा से तो महीना आमदनी होनी चाहिए, इसलिए अब तय किया कि 15,000 रुपये तक की भी आमदनी होगी तो वो पात्रता की श्रेणी में शामिल होंगे। और ऐसे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और 5 एकड़ असिंचित जमीन है वो किसान भी मकान की पात्रता में आएंगे, उनको भी ये मकान दिए जाएंगे। सबको पक्के मकान देने का ये कार्यक्रम जिंदगी बदलने का अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव की जनता की जिंदगी बदली है। इस योजना के पहले सपना था पक्की सड़क गांव तक पहुंचना, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण लगभग 1,63,000 गांवों को बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और आगे इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस चरण में लगभग 25,000 नए बसाहट नए गांव 12 मासी सड़कों से जोड़े जाएंगे, 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी, 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों के निर्माण में खर्च की जाएगी और इसके लिए राशि की व्यवस्था कर दी गई है, तो इन ग्रामवासियों को भी अब पक्की सड़क का लाभ मिलेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और स्वच्छता अभियान के 2024 में 10 साल पूरे हो रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा। इस बीच पूरे देश में हमने देखा स्वच्छता को लेकर दृष्टिकोण बदल गया और स्वच्छता धीरे धीरे स्वभाव का अंग बनती जा रही है। वैसे तो सभी विभाग और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ेगा, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग भी और कृषि विभाग भी, ग्रामीण विकास, पंचायत, कृषि, शहरी, उसके अलावा सारे विकास, लेकिन कृषि में भी कृषि और उसके साथ साथ ICR, ये सारे डिपार्टमेंट गहन स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगे। हम स्वयं भी भाग लेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, जो स्वच्छता कर्मी उनके सम्मान का कार्यक्रम, अवेयरनेस क्रिएट करने का कार्यक्रम होगा और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अकेला ग्रामीण विकास विभाग लगभग 20 करोड़ राज्य का और केंद्र का मिलकर पेड़ लगा चुका है, तो इस अभियान के तहत भी एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम संपन्न होगा। मेरी सभी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाइयों बहनों से अपील है, शहरी क्षेत्र का कार्यक्रम चल ही रहा है तो वो स्वच्छता के इस अभियान में भी भाग लें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है, जहाँ स्वच्छता है वहीं सुंदरता है, जहाँ स्वच्छता है वहीं आनंद है, और जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर है। धन्यवाद।